गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो। और आज का जो लेक्चर है वो मेरे साथ तुम लोग कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी है, ठीक है। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5 जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस चैप्टर का आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट वर्क डन ड्यू टू बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा था। आज का जो लेक्चर उससे हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में तुम्हारा जो ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये हम आज कंटिन्यू करें। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वही है जिसका डेफिनेशन हम देखते हैं। देखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नॉर्थ पोल यूनिट पोल, यानी अगर एक पोल स्ट्रेंथ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डिवाइड करते, वी डिवाइड ए मैग्नेटिक फील्ड विथ ए पोल स्ट्रेंथ, वी डिवाइड ए मैग्नेटिक फील्ड विथ ए पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन ये देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मैग्नेट। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम उसके पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, ये तो बी तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम उसके पोल स्ट्रेंथ, यहाँ से मैंने, यहाँ पे मैंने म्यू से डिनोट किया है, हम एम से भी डिनोट कर, क्यू एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम म्यू से उसके किसी भी यूनिट पोल, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम किसी भी यूनिट पोल से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आएगा, जो रेशियो बनेगा, वही रेशियो होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ड्राइव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये भी एक तरह का मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स यही है कि एक यूनिट नॉर्थ पोल ड्राइव करेगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो अपोज करेगा, ठीक है। इसी के वजह से एक फोर्स जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और अगर एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी अगर डिवाइड कर दे तो यही इसका भी रेशियो जो रिजल्ट आएगा वो भी होगा हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। इसका और एक डेफिनेशन भी है, ये सारे जो डेफिनेशन है ये अलग अलग किताबों से लिया गया है, अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग तीनों ही सीख लो, सीखना हमको एक ही है और एक ही हम लोगों को अच्छी तरह से किताब कॉपी पे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से देना है, समझ में आया। अच्छा, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एक्सटेंट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, दैट मीन्स डिग्री ऑफ एक्सटेंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, डिग्री ऑफ एक्सटेंट मीन्स व्हाट, एक बाउंड्री हो गया। और अगर एक बाउंड्री को एक मैग्नेटिक फील्ड से अगर हमने डिवाइड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड यानी बाउंड्री, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने उसके पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दिया, मैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या रहता है, पोल स्ट्रेंथ ही रहता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ही रहेगा। अगर उसके स्ट्रेंथ से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को, डिग्री ऑफ एक्सटेंट मीन्स फील्ड, फील्ड को डिवाइड कर दिया तो इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल सकते हैं, समझ में आया। ये और एक डेफिनेशन हो गया। चलो, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, लीनियर मीटर मीन्स पर मीटर, लीनियर मीटर और पर मीटर, इसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स हमने क्यों दिया, क्योंकि हर एक टर्न में करंट रहेगा, एक सोलेनोइड पकड़ लो, हर एक टर्न में करंट रहेगा, तो एम्पियर टर्न पर लीनियर मीटर, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट है ओडस्टेड, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर, सीजीएस यूनिट है इसका ओडस्टेड। अभी हम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सारा जो नाम मैंने बोला है सभी एक ही चीज से डिनोट करता है बी, ये जो मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसका किसी कोई किताब में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा रहेगा, कोई किताब पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा रहेगा, कोई किताब पे मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा रहेगा, कोई किताब पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा रहेगा, लेकिन हमारा डेफिनेशन एक ही है, हमारा मोटिव भी एक ही है,
ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये देखो b इज इक्वल टू क्या हो गया, h इनटू म्यू, h इक्वल टू हो गया b बाय म्यू, तो b इक्वल टू हो गया h इनटू म्यू, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनटू स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन यूनिट एरिया ऑफ एन सब्सटेंस। भाई इसको हम ये से भी डिनोट कर सकते हैं, अगर हम इंडक्शन करें, मैंने कहा था जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे तब फ्लक्स अच्छी तरह समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया, सारा नाम अलग अलग है लेकिन डेफिनेशन हमारा एक ही है। समझ में आया, चलो उसका इसका इसका ऐसा यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, ये तो हम जानते ही है, ठीक है। और इसका CGS यूनिट जो है, इसका CGS यूनिट है गॉज, तो 1 गॉज इक्वल टू 10 टू द, ये कन्वर्शन दिया गया है 1 गॉज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ठीक है। अभी हम करेंगे टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म। टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म यानी अर्थ को लेकर मैग्नेटिज्म। मैंने कहा था अर्थ को एक हम बहुत ही बड़ा एक मैग्नेट हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अर्थ हमारा ऐसा गोल है, पकड़ के चलो ये गोल है, तो सीधा वाला जो एक्सिस है उसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस कहेंगे, ठीक है, जिसको घूमकर जिसके अंडर ही ये ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है। अर्थ का दो तरह का मूवमेंट है, एक है रोटेशनल मोशन, एक है रिवोल्यूशनरी मोशन। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज, ईयर चेंज, 365.25 डेज लगता है एक बार रिवोल्यूशन, सन के एक चक्कर लगाने के लिए 365.25 डेज लगता है, ठीक है, और एक बार रोटेशन करने के लिए 24 आवर लगता है, तो हम जानते हैं। तो अर्थ जो अपने ओन एक्सिस के बराबर जो घूमता रहता है, इसी एक्सिस को बोलेंगे हम जियोमेट्रिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम? जियोमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। और ठीक उसके 17.5 डिग्री एंगल के अंदर, ठीक उसके ठीक 17.5 डिग्री, ये तो हो गया हमारा जियोग्राफिकल एंगल, इसका ठीक 17.5 डिग्री एंगल के एंगल से एक और एक्सिस रहेगा जिसको हम इमेजिन करेंगे एक मैग्नेट है। अर्थ के इस तरफ ये तो हो गया हमारा, ये सीधा वाला हो गया हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस जिसके बराबर अर्थ घूमेगा, और इसका ठीक 17.5 डिग्री एंगल करके, इसका ठीक 17.5 डिग्री एंगल करके एक एक्सिस रहता है जिसको हम इमेजिन करते हैं कि मैग्नेट एक आर्क के अंदर ही अंदर एक मैग्नेट पास होके चला गया, ठीक है। तो जियोग्राफिकल ये तो हो गया एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस के ऊपर की तरफ रहेगा जियोग्राफिकल नॉर्थ और नीचे की तरफ रहेगा जियोग्राफिकल साउथ। ध्यान से देखो, जियोग्राफिकल जो एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस के ऊपर की तरफ रहेगा जियोग्राफिकल नॉर्थ और नीचे की तरफ रहेगा जियोग्राफिकल साउथ। तो हम जानते हैं ऊपर का जो पोल है नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और नीचे का जो पोल रहेगा वो साउथ पोल है। जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहेगा मैग्नेट का, जो मैग्नेट हमने इमेजिन किया है अर्थ के अंदर से, अर्थ के भूमि के अंदर से जो हमने मैग्नेट इमेजिन किया है, बहुत ही बड़ा मैग्नेट जो हमने इमेजिन किया है, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ उसी मैग्नेट का रहेगा मैग्नेटिक साउथ। समझ में आया, जियोग्राफिकल नॉर्थ के 17.5 डिग्री एंगल के रहेगा एक एक्सिस जिसको बोलते हैं मैग्नेट एक्सिस, जो मैग्नेट को जोड़ता है, इमेजिन करेंगे एक मैग्नेट, उसी मैग्नेट का कौन सा वाला पोल रहेगा, उसी मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा, और जिस तरफ से जियोग्राफिकल साउथ है उस तरफ से रहेगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल। समझ में आया, इसीलिए जब हम एक बार मैग्नेट ऐसे सस्पेंड करते हैं ना, झुलाते हैं ना, तो वो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ नहीं, जो मैग्नेटिक जो नॉर्थ एंड साउथ है वही दिखाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ वही दिखाता है, ठीक है। तो टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म हमको, टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म मीन्स अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ को लेकर जो मैग्नेटिज्म है वही हम पढ़ेंगे। हम इमेजिन करेंगे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, एक एक्सिस पास करके चला गया है जिसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, जिसको एक्सिस एक पास करके चला जिसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक एक्सिस। ये अर्थ के जियोग्राफिकल के एक्सिस के 17.5 डिग्री एंगल के बराबर रहता है, ठीक 17.5 डिग्री एंगल के बराबर रहता है, एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। जितना भी हमारा लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जितना भी एक्सिस हम इमेजिन करते हैं वो सब क्या अर्थ के ऊपर क्या लगा हुआ है ना, कि ये सब इमेजिनरी लाइन्स है। तो जो एक एक्सिस अर्थ के नॉर्थ पोल, सीधा जो एक्सिस अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। इसके ठीक 17.5 डिग्री एंगल करके रहेगा एक और एक्सिस जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, जो हम इमेजिनरी मैग्नेट जो हमने एक मैग्नेट इमेजिन किया है अर्थ के अंदर ही अंदर, उसी मैग्नेट का एक्सिस। अभी जियोग्राफिकल साउथ जो ऊपर की, जियोग्राफिकल नॉर्थ जो ऊपर की तरफ है उसके तरफ रहेगा मैग्नेट का साउथ,
उसके तरफ रहेगा, उसके तरफ उसके 30 डिग्री एंगल करके रहेगा मैग्नेट का साउथ, और उसके ठीक नीचे की तरफ रहेगा जियोग्राफिकल साउथ की तरफ रहेगा मैग्नेट का नॉर्थ। ठीक है, समझ में आया। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। जियोग्राफिकल एक्सिस क्या, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। अब जियोग्राफिकल पोल कौन सा है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। इसके वजह से इसी एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज पोलर एक्सिस बिकॉज इट इज डिनोटेड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिनोट करता है। उसके बाद जो एक प्लेन हम कंसिडर करेंगे, सपोज ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, इसी एक्सिस के इसी तरफ से इसी एक प्लेन पास करेंगे, एक प्लेन हम इमेजिन करेंगे जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल के एक्सिस के बराबर, जियोग्राफिकल एक्सिस के बराबर जो प्लेन पास होके चला जाएगा, जियोग्राफिकल एक्सिस के बराबर जो प्लेन पास होके चला जाएगा उसी को बोलेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन। एट एनी प्लेस द वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट मीन्स जियोग्राफिकल के एक्सिस के बराबर जो प्लेन हमारा पास होकर चला जाएगा उसी को बोलेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेटिक एक्सिस जो 17.5 डिग्री एंगल के बराबर जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके बराबर जो प्लेन पास होकर चला जाएगा उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या है? जो एकदम बड़ा वाला सर्कल है जो अर्थ के एकदम चारों ओर एकदम घूम के आया, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द जियोग्राफिकल पोल। इस पॉइंट से भी ये जो सर्कल है, इस पॉइंट से ये पॉइंट एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से ये पॉइंट एकदम इक्वल डिस्टेंस पे। ये इक्वेटर तो हम जानते हैं, एकदम पूरा जो बड़ा वाला सर्कल अर्थ को एकदम चारों ओर घूम के आता है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अभी मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? मैंने 17.5 डिग्री बोला था, यहाँ पे 17 डिग्री है, चलो 17.5 डिग्री 17 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस वही है जो मैग्नेट को अर्थ के अंदर जो हमने इमेजिनरी मैग्नेट कंसिडर किया है जो जियोग्राफिकल एक्सिस के 17.5 डिग्री या 17 डिग्री एंगल के बराबर रहता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज इंक्लाइन टू द जियोग्राफिकल एक्सिस नियर एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री और अप्रोक्सीमेटली 17.5 डिग्री। ठीक है, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैंने कहा था जो मैग्नेटिक एक्सिस के बराबर जो हम एक प्लेन पास करेंगे उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अच्छा, अभी मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? जो एक सर्कल जो मैग्नेटिक एक्सिस के बराबर रहेगा, इट इज द ग्रेट सर्कल सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा जो ऐसे घूम के आएगा, ये तो हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, ऐसे जो घूम के आएगा एक सर्कल इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक इक्वेटर। ये वाला हो गया जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये वाला हो गया जियोग्राफिकल एक्सिस, ये वाला हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर और ये वाला हो गया हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, अभी डिक्लाइनेशन क्या है? ठीक है, इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन जो जियोग्राफिकल एक्सिस के बराबर एक प्लेन पास करेंगे, ये हो गया हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन। यानी ये जो लाइन है, यानी ये लाइन बराबर रहेगा हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस, ये लाइन बराबर रहेगा जियोग्राफिकल एक्सिस और इसी लाइन के बराबर ये हम एक प्लेन कंसीडर करेंगे जिसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये जो साइड है, ये साइड हमको मैग्नेटिक एक्सिस डिनोट करेगा, यानी इस साइड की तरफ से रहेगा अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेट और ये हो गया हमारा अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, जो जिस एक्सिस के बराबर, यानी इस पॉइंट पे रहेगा हमारा नॉर्थ पोल, इस पॉइंट पे रहेगा हमारा साउथ पोल, इसका ठीक 17.5 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये एंगल हो गया हमारा 17.5 डिग्री एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा डिक्लाइनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का जो बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं डिक्लाइनेशन। ठीक है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी आज अगर करीमगंज में अगर ये थीटा का वैल्यू सपोज 15 डिग्री है, सपोज 17 डिग्री है, तो सिर्फ थोड़ा बहुत वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। ठीक है, द लाइन शोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेसेस दैट हैव द सेम डिक्लाइनेशन इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन मीन्स जो लाइन एकदम लाइन शोन द मैप थ्रू द प्लेस दैट हैव सेम डिक्लाइनेशन, जो लाइन हमारा अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो मैप है, जो लाइन एकदम डिक्लाइनेशन के साथ सेम है, एकदम डिक्लाइनेशन के साथ एकदम सेम। डिक्लाइनेशन मीन्स व्हाट? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन।
इन्हीं डिक्लाइनेशन के साथ जो जो लाइंस एकदम पूरा सेम मिलता है उसको बोलते हैं आइसोक्रोनिक लाइंस, ठीक है। और जो लाइन नहीं मिलता है, द लाइन थ्रू द प्लेस हैव जीरो डिक्लाइनेशन, जो डिक्लाइनेशन एकदम जीरो है उसको बोलते हैं एगोनिक लाइंस, ठीक है। ये दोनों हमारे ज़रूरी नहीं है, मैंने दे दिया था, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। ये जब जियोग्राफिकल जो जियोग्राफिक लेके पढ़ता है उन लोगों के लिए चाहिए, ये आइसोकोनिक लाइन और एगोनिक लाइन ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन क्या है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। अभी हम देखेंगे डीप और इंक्लाइनेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या डीप और इंक्लाइनेशन। अब ये डीप और इंक्लाइनेशन क्या है, ये हमने, ये तो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो इसके ठीक एंगल बराबर, ये जो एंगल बराबर हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे। किसका मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ का जो मैग्नेट हमने इमेजिन कंसिडर किया, जो हमने इमेजिन किया है उसी का मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे बी वैक्टर, ठीक है। और ये जो एंगल हो गया जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो एंगल मेट करता है, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो एंगल मेट करता है उसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन और डिप, ठीक है। इस तरफ से इस बी को हम दो तरह से रिजॉल्व करेंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बी एच से डिनोट करेंगे, और ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, ठीक है। एक वेक्टर को तो हम दो तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम जानते हैं एक वेक्टर को हम दो तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम जानते हैं एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस के बराबर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कंसिडर किया है, इसको हमने दो तरफ से तोड़ दिया, दो तरफ से हमने रिजॉल्व कर दिया। जो लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस है, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो, उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो डीप और इंक्लाइनेशन क्या था? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज कॉल्ड डीप इंक्लाइनेशन एट दैट प्लेस। यानी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो बी के साथ, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो बी के साथ, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी के साथ जो एंगल मेट करेगा उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? डीप और इंक्लाइनेशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये एक ग्रीक सिंबल है जिसको हम डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। इट इज जीरो एट द इक्वेटर, यानी इसका वैल्यू, ये जो डीप और इंक्लाइनेशन का वैल्यू, इसका वैल्यू जीरो हो जाता है कहाँ पे आके? इक्वेटर पे आके। इसका वैल्यू जीरो हो जाता है इक्वेटर पे आके और 90 डिग्री हो जाता है पोल्स पे। इसका वैल्यू जीरो हो जाता है इक्वेटर पे आके और 90 डिग्री कहाँ हो जाता है? पोल्स पे आके, ठीक है। और ये आइसोक्लिनिक लाइंस, ये हमको अभी जरूरत नहीं है, तो हमको चाहिए डिक्लाइनेशन और डीप और इंक्लाइनेशन। समझ में आया? चलो, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एच, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने बी को हमने रिजॉल्व किया था, ठीक है। द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लाई इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंस्टेड इट इज लाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ द डीप इन द अर्थ। टोटल द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट मीन जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर था उसका जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक एक्सिस का हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो हमने रिजॉल्व किया था उसी कंपोनेंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये जो हमने प्लेन देखा था, अभी पहले वाला हम देखेंगे, ये जो बी एच इक्वल्स टू, ये देखो ये तो डेल्टा हो गया, तो ये तो हमारा बेस कंपोनेंट है, तो बेस कंपोनेंट क्या हो जाता है? हमारा कॉस कंपोनेंट हो जाता है, और परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट हो जाता है? साइन कंपोनेंट। तो बी एच इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी कॉस डेल्टा, और बी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी साइन डेल्टा। देखो बी एच, ये देखो बी एच इक्वल्स टू हो गया हमारा बी कॉस डेल्टा यानी बेस कंपोनेंट, और बी वी इक्वल्स टू हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट यानी बी साइन डेल्टा। अगर इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू सको स्क्वायर डेल्टा प्लस एन स्क्वायर डेल्टा, रिजल्टेड हो गया हमारा 1। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, तो बी इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। समझ में आया? ये टेंजेंट लॉ हमको अभी नहीं चाहिए, ये पहले था, पहले के सिलेबस में था टेंजेंट लॉ, अभी हम नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म। अभी हम देखेंगे के जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तीन तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है। कौन कौन से तीन तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है ये हम अब देखेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल का टाइप्स हम आलोचना करेंगे, डिटेल से हम टाइप्स का आलोचना करेंगे, ठीक है। तो
तो कंपैरिजन ऑफ तीन तरह का हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा वाला मैग्नेटिक मटेरियल है? एक है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसके बारे में हम अभी डिटेल से आलोचना करेंगे। ये आ गया हमारा क्या क्या है। तो डायमैग्नेटिक ये कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में ये हो गया हमारा डेफिनेशन, कंपैरिजन में ये हो गया हमारा डेफिनेशन। कंपैरिजन में अगर कंपैरिजन आया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन भी आया तो इससे भी हम बना के डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक इज अ सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, जो एकदम कम रिपेल करता है, फीबली, फीबली मीन्स एकदम कम, फीबली मीन्स एकदम कम, फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट जिन जिन सब्सटेंसेस को, जो जो सब्सटेंसेस को एकदम कम रिपेल करेगा उसको बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर एन एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखो एंटीमोनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हमने पढ़ाने ही है, उसके चाहिए मरकरी, अल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोजन, एयर। ठीक है, एयर, एयर मीन्स पकड़ लो कि एयर को एकदम रिपेल नहीं भी करता है। अगर एक मैग्नेट अगर हम रख दे तो क्या एयर को रिपेल करेगा? हमारे नज़र में नहीं आएगा, लेकिन एकदम कम, एकदम फ्रैक्शन, 10^-, ब्ला। ठीक है, तो ऐसा करके एकदम फीबली रिपेल करेगा। ठीक है, अभी पैरामैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ये तो फीबली रिपेल हो गया, एकदम कम रिपेल करेगा और फीबली अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक क्या है? फीबली रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक क्या है? फीबली अट्रैक्टेड करेगा। ठीक है, मैंने एकदम कम अमाउंट में अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर एल्यूमिनियम है, ये देखो एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, एल्काली, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, ये हमने पीरियोडिक टेबल पे देखा है। ठीक है, जैसे एल्केली मेटल, इधर से एल्कालाइन अर्थ मेटल, उसके बाद मेटालॉइड है, उसके बाद हमारे इनर्ट गैस है। ठीक है, जो एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है, अर्थ मेटल, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सब को क्या करेगा? एकदम फीबली अट्रैक्टेड करेगा, एकदम दिखाई नहीं देगा हम लोगों को, लेकिन अट्रैक्टेड करेगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंस जो है, इस तरह के सब्सटेंस को बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये दो हो, ये तो हो गया फीबली रिपेल, ये तो हो गया फीबली अट्रैक्ट। अभी फेरोमैग्नेटिक क्या है? जो पूरी तरह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, एकदम पूरा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करेगा, स्ट्रांगली रिपेल करेगा, इन सब को बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करेगा। ठीक है, इन सब चीजों, इन सब सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम, ये एक नया सब्सटेंस है, डाइस्पोरियम, डाइस्पोरसियम। ठीक है, ये मैंने एक बहुत अलग किताब से मैंने एक डेफिनेशन लिखा था, एक एग्जांपल दिखाया था। तो हमको आयरन, आयरन का एग्जांपल पकड़ लो, आयरन कैसे फटाक से चुंबक अटैक कर लेता है ना, फटाक चुंबक अटैक कर लेता है ना, तो आयरन भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डिफरेंस समझ में आया, डायमैग्नेटिक क्या है? फीबली रिपेल। पैरामैग्नेटिक क्या है? फीबली अट्रैक्टेड। और फेरोमैग्नेटिक क्या है? एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, अच्छा, तो इसका दूसरा एक और डेफिनेशन देखो, दूसरा और कंपैरिजन भी बोलो, डेफिनेशन को, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करें, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। जो लाइंस ऑफ फोर्स जो है, लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ जाता है ना, ये अवॉइड करेगा, ये उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या है? द लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर पास थ्रू द सब्सटेंस रादर देन एयर। जो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एयर की तरफ से जाता है ना, ऐसे 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 एयर की तरफ जाता है ना, लेकिन पैरामैग्नेटिक जो है वो एयर को छोड़कर बाकी सब्सटेंस की तरफ चला जाएगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक जो है, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू द क्राउडेड इनटू द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन अगर हम, अगर एक बार मैग्नेट के ऊपर अगर हम आयरन का अगर फाइलिंग्स छोड़ देना, तो सारे बार मैग्नेट जो है, जो लाइंस ऑफ, जो आयरन का जो फाइलिंग्स है, वो बार मैग्नेट की तरफ अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया, ये देखो ये हो गया कैसे लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। देखो ये मैग्नेट को छोड़ के, देखो मैग्नेट को छोड़ के बाकी सब तरह से जा रहा है। ठीक है, ये सब्सटेंस की तरफ ही जाएगा, देखो ये सब्सटेंस की तरफ जाएगा, बाकी तरफ से नहीं जाएगा, सब्सटेंस को होकर जाएगा। लेकिन अगर एक फेरोमैग्नेटिक देखे, ये सब्सटेंस और एयर दोनों होकर चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ और वो है तुम्हारा कंपैरिजन है, तो ये हम पढ़ेंगे, ये शीट पे भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है,
when देखो ये एक अच्छा वाला ये okay when diamagnetic ये तो हम diamagnetic rod is freely suspended. अगर एक diamagnetic rod को अगर हम freely suspend कर दे uniform magnetic field पे, it is align itself in the direction of perpendicular to the field. ये अपने आप align हो जाएगा magnetic field के perpendicular. ये तो अगर ये तो ये हो गया देखो magnetic field और देखो magnetic field के perpendicularly align हो जाएगा. ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी ये जो एंगल है ये एंगल है हमारा 90 डिग्री. ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री. ठीक है फिर से दिखाता हूँ. अगर ये है डायमैग्नेटिक रॉड, ये डायमैग्नेटिक रॉड हमने सस्पेंड कर दिया है एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड पे हमने सस्पेंड कर दिया है, झुला दिया है, तो ये क्या करेगा अपने आप ही ये देखो होता रही है, देखो ये देखो ये देखो हो रहा है अपने आप ही क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाएगा. दूसरा वाला देखते हैं अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हमने सस्पेंड कर दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा. डायमैग्नेटिक क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है, पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा. ये देखो देखते रहो ये देखो ये हो गया पैरेलल. देखो फिर से दिखाता हूँ ये देखो क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एकदम पूरा पैरेलल. समझ में आया. और अगर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हमने कर दिया तो इट अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड वेरी क्विकली. ये देखो एकदम स्लोली हुआ ना, ये देखो एकदम धीरे धीरे पैरेलल हो रहा है, धीरे धीरे एकदम पैरेलल हो रहा है ना. लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है एकदम क्विकली पैरेलल हो जाएगा. ये देखो उसका रिएक्शन टाइम देखो, देखा एकदम फटाक से हो गया ना, एकदम रिएक्शन टाइम देखो, ये देखो एकदम फटाक से हो गया, एकदम रिएक्शन टाइम एकदम कम. समझ में आया. तो स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर हमने किया था, जो चैप्टर नंबर 5 जो हमने शुरू किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो उसका जो टॉपिक का जो पूरा लेक्चर है वो पूरा लेक्चर आज स्मार्ट क्लास के जरिए मैंने ख़त्म भी कर लिया और चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया. आशा करता हूँ कि ये जो मैंने स्मार्ट क्लास तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ ये तुम लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा. और अगर पसंद आए तो अच्छा अच्छा कॉमेंट भी करना, अपना ध्यान भी रखना, पढ़ाई भी करना और अपना पढ़ाई भी करते रहना. ठीक है तो थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.